Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, friends, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ सेंटेंसेस लिखकर और उसको हाउ टू चेंज द इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. फ्रेंड्स पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू इन द लास्ट क्लास अबाउट द चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच, हाउ टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आने लगा होगा और बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे. इसलिए फ्रेंड्स, आप, मैं फिर से कहता हूं कि आप, मैंने वो जो तीन टेबल लिख के दिया था, हाउ टू चेंज द टेंस, हाउ टू चेंज द पर्सन एंड हाउ टू चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वो तीन चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखना. फिर आपको नरेशन में, नरेशन चेंजिंग में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, वो चीज़ तो हमने बता दिया है आपको. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, कि राम ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुंबई जाओगे, इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होने वाला होता है, कि सिर्फ क्या आएगा, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, राधा ने मुझसे कहा कि क्या तुम डांस करोगे, मीन्स क्या से शुरू होने वाला. तो आज हम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चेंज करने के लिए बताएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं हम वो इंग्लिश वीडियो, लेट्स वॉच. Hurrah! Only 10 days to the holidays. I know, I have been counting the days. What are you going to do this vacation? We are planning to go to Dehradun. It is the capital of Uttarakhand. Really? It seems to be a great fun. Yes. Where are you going? I don't think my father will have time this vacation. Oh, what happened? He has lot of work in his office. So, he won't be able to take leave. Why don't you come with us? My parents will ask to your parents. I don't think your father will like it. Of course, they will. My father was asking about you. He will be happy with this. It's very kind of you. Thank you a lot of. You don't need to say thanks. We will have time fun together. फ्रेंड्स शुरू करते हैं. मैं इंट्रोगेटिव क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सीखने लायक बातें हैं, कुछ समझने लायक चीज़ें हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ. और दूसरे टेंसेस की तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, इंट्रोगेटिव बना दो. जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ बातें हैं जो सीखने लायक हैं, आप जानते भी होंगे, शायद नहीं जानते हो तो जान जाएंगे. ही सेड टू मी आर यू इल, दिस इज द क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम बीमार हो, तो यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे, ही आस्क मी, यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड नहीं लिखकर हम आस्क लिखेंगे. ठीक है फ्रेंड, ही आस्क मी. अब यहाँ पर दैट नहीं लिखेंगे, ये जानने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हम दैट नहीं लगाएंगे. जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला यहाँ पर होता है, रिपोर्टेड स्पीच, जब भी रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यानी क्या से शुरू होने वाले में, हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आता है वो, तो उसमें दैट नहीं लगाएंगे. उसमें क्या लगाएंगे, दो चीज़ें, या तो वेदर लगाएंगे या इफ लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखना, या तो वेदर लगाएंगे या इफ लगाएंगे, ये दोनों चीज़ याद रखना. इस्तेमाल तो एक ही चीज़ का करना है, बट याद दोनों रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इफ लगाते हैं. इफ He asked me if, are you ill? यहाँ पर you is the second person, the second person object के हिसाब से चेंज होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर I was ill. ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बीमार था, यानी बीमार हूँ, तो यहाँ पर past है, इसके लिए यहाँ पर हमने past कर दिया है, और object यहाँ पर you है, me है, तो यहाँ पे अब subject ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया. ठीक है फ्रेंड्स,
तो इफ आई वॉज इल, और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव रहता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं होता है, फिर अफर्मेटिव में हो जाता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब चेंज करेंगे ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये काफ़ी लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलतियाँ करते रहते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होना, इफ लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डायरेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में आ जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ वही होगा, पूछना ही होगा। ठीक है, हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सीता सेड टू मी, डू यू नो रमेश? सीता आस्क्ड मी, अब यहां पर डू यू नो रमेश, यहां पर पहले हम सबसे पहले इफ लगा देते हैं, इफ डू यू नो। यहां पर भी जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो यू है, तो यहाँ पर पर्सन है ये, तो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। आई, डू यू नो रमेश, दिस इज द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो आई न्यू रमेश ठीक है। सीता आस्क मी इफ आई न्यू रमेश। राजू सेड टू रोहित, डिड यू नॉट गो देयर? राजू आस्क रोहित, अब यहां पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होने वाला पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? रोहित है, रोहित इज अ थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट में। पहले हम इफ लिख देते हैं, इफ रोहित का क्या हो जाएगा? ही यहाँ पर अभी कौन सा टेंस है? अभी आप टेंस देखो, डिड यू नॉट गो देयर, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो इफ ही हैड नॉट gone there, he said to Seema, उसने सीमा से कहा, are you not reading, क्या तुम नहीं पढ़ रही हो? उसने सीमा से कहा कि क्या तुम नहीं पढ़ रही हो, यानी उसने सीमा से पूछा। तो he said and he asked Seema if, अब यहाँ पर यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? यूज द सेकेंड पर्सन, हमेशा याद रखना सेकेंड पर्सन होगा यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर यू इज द सेकेंड पर्सन, इसलिए यहाँ पर सीमा के हिसाब से चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, शी। इफ शी, आर यू नॉट रीडिंग, दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी वॉज नॉट रीडिंग, सिंपल है। आप यहां पर इफ की जगह पर वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर भी काफी जगहों पर लिखा रहता है, आप इस्तेमाल तो बोलचाल में हम इफ का करेंगे चलेगा, क्योंकि ये सिंपल है, छोटा सा वर्ड है इफ, लेकिन आप याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा कि वेदर का भी इस्तेमाल इसमें होता है, और वेदर किसी ने बोला, सामने वाले ने बोला या कहीं लिखा हुआ मिला तो उसको आप समझ जाना कि यही सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।